एंटी क्राइम टीम के चेयरमैन श्यामलाल गुप्ता की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते गांव सैदगढ़ में क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें जीतने वाली और रनर अप टीम के खिलाड़ियों को यादगारी स्नात देकर इजाज से नवाजा गया। इस मैच के दौरान गांव के लोगों ने शिरकत की और इदारे के सामने खंभे लगाने का मुतालबा किया। इन्होंने देवास्थान के करीब और गांव की तरफ बिजली ना होने का मसला एंटी क्राइम के चेयरमैन श्यामलाल के सामने जाहिर किया था। गुप्ता ने इन्हें यकीन दिलाया था कि आला सतही ओहदेदारों से बात करके वो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर लोगों की सहूलत के लिए खंभे लगवा देंगे। 15 दिनों के अंदर अंदर ही श्यामलाल गुप्ता ने महकमा की मदद से सैदगढ़ गांव में खंभों के साथ साथ रोशनियों का भी इंतजाम करा दिया है। जहन, आज बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूसी की पंचायत सैदगढ़ में हूँ, जहाँ पर कुछ दिन पहले ये हमारे पास लोग आए थे। यहाँ के जो पंच हैं या जहाँ पीर फकीरों की जगह के जो प्रेसिडेंट हैं, वो जहाँ हमारे ऑफिस में आए थे, उन्होंने कहा था हमें कि हमारे बहुत पुरानी मांग है, जहाँ पर 8 खंभों की ज़रूरत है, तो जहाँ पर अगर खंभे लगे तो बच्चे जो हैं, इतनी बड़ी ग्राउंड है, खेल सकते हैं, आ सकते हैं, जहाँ पर लोगों के लिए एक सैरगाह बन सकती है। तो हमने पीडीडी डिपार्टमेंट से अप्रोच किया था, तो उन्होंने पीर फकीरों की ही कृपा से जहाँ पर बहुत जल्द हमें जो पोल थे वो प्रोवाइड करा दिए, जहाँ पर आप देख सकते हैं 3 तारे लगी हुई हैं, जहाँ पर जो हमारे एक दोस्त है, छोटा भाई है, उन्होंने हमें एक सोलर लाइट भी प्रोवाइड की है, दान दी है हमें इस जगह पर लगाने के लिए। कुछ लोगों ने हमें बल्ब वगैरह दिए हैं जो हर पोल के साथ लगे हुए हैं, स्विच दिए हैं। तो मैं सभी जो डिपार्टमेंट है पीडीडी डिपार्टमेंट का, उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जिन्होंने हमें मांग हमारी को पूरा किया और जिन लोगों ने हमें सोलर लाइट प्रोवाइड किया, लाइटें प्रोवाइड की हैं, बल्ब प्रोवाइड किए हैं, मैं उन लोगों को भी प्रिय करता हूं। और जहां पर आए हुए सैदगढ़ पंचायत के जो पंच हैं, चौकीदार हैं, लंबड़दार जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं रियाल से रिशु जी, और जहां पर एनजीओ एंटी क्राइम टीम के जो प्रेसिडेंट हैं सैदगढ़ के पंचायत के रवि कुमार जी, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जहाँ आके इस प्रोग्राम में सहयोग दिया। और ये सब एक मैं फिर कहता हूँ, पीर फकीरों की जगह का काम है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, पीडीडी डिपार्टमेंट को सलूट करता हूँ, जिन्होंने जे इन लोगों की मांग को पूरा किया है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।